Dear student, you are most welcome to the class today. Today we are going to study the further part of the poem Geography Lesson. So let us see. When the jet reached 10,000 feet, कभी कहते हैं when the jet, जब विमान reached 10,000 feet, जब लगभग 10,000 feet की ऊंचाई पर पहुंचता है, it was clear, तो यह स्पष्ट था why the country, कि जो देश है वो क्यों had cities where the river ran, why the country had cities, कि जो देश हैं उनमें जो शहरों की स्थापना हुई है वह where the river ran, जहां पर नदियां बहती हैं वहां पर शहरों की स्थापना क्यों हुई है, एंड वाई द वैलीज वेयर पॉपुलेटेड, वैलीज मतलब होता है घाटियां, वेयर पॉपुलेटेड आबादी वाली, और जो घाटियां हैं वो आबादी वाली क्यों हैं। वेन द जेट रीच 10,000 फीट, कभी कहते हैं कि जब विमान 10,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचा, इट वॉज क्लियर, तो यह अस्पष्ट था कि वाई द कंट्री हैड सिटीज वेयर द रिवर रैन, कि जो शहरों की स्थापना है वह उन स्थानों पर क्यों हुई है जहां पर नदियां बहती हैं, एंड वाई द वैलीज वेयर पॉपुलेटेड, और जो घाटियां हैं वो आबादी वाली क्यों हैं। द लॉजिक ऑफ ज्योग्राफी, कब कहते हैं इसमें जो भूगोल है उसका तर्क है, उसकी तर्कसंगतता है, यह भूगोल के अनुसार तर्कसम्मत है, दैट कि लैंड एंड वाटर अट्रैक्टेड मैन, लैंड एंड वाटर, लैंड मीन्स धरातल, यहाँ मतलब है मैदानी भाग, एंड वाटर और जल अट्रैक्टेड आकर्षित करता था मैन मीन्स लोगों को, दैट लैंड एंड वाटर अट्रैक्टेड मैन, द लॉजिक ऑफ ज्योग्राफी, कभी कहते हैं कि इसमें जो भूगोल है उसका तर्क है, दैट कि लैंड एंड वाटर अट्रैक्टेड मैन, जो मैदानी भाग हैं और जो जल है वह लोगों को आकर्षित किया, वॉज क्लियरली डेलिनेटेड, वॉज क्लियरली स्पष्ट रूप से डेलिनेटेड, इसी चीज को यह चित्रित या निरूपित करता है। व्हेन द जेट रीच 10,000 फीट, जब विमान 10,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचता है, तो यह निरूपित करता है या चित्रित करता है। When the jet rose 6 miles high, 6 miles high, एक मील में लगभग 5,000 फीट होते हैं, तो 6 miles मतलब 30,000 फीट से भी ऊपर। When the jet rose 6 miles high, कभी कहते हैं कि जब विमान 30,000 फीट से ऊपर उठता है, 30,000 फीट के ऊपर उठता है, it was clear, तो यह अस्पष्ट था, द अर्थ वॉज राउंड, कि जो पृथ्वी है उसका आकार गोल है, एंड दैट, और यह कि इट हैड मोर सी देन लैंड, सी मीन्स समुद्र अर्थात जल, लैंड मीन्स तल अर्थात धरातल, भूमि वाला भाग, एंड दैट इट हैड मोर सी देन लैंड, और यह स्पष्ट था कि पृथ्वी पर भूभाग की अपेक्षा, धरातल की अपेक्षा जल का जो भाग है वह अधिक है। बट इट वॉज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, कभी कहते हैं बट इट वॉज डिफिकल्ट, लेकिन यह कठिन था टू अंडरस्टैंड, समझना, दैट कि द मैन ऑन द अर्थ फाउंड, द मैन माने लोग, ऑन द अर्थ मतलब पृथ्वी पर, फाउंड मतलब पाए जाने वाले, द मैन ऑन द अर्थ फाउंड, पृथ्वी पर जो लोग पाए जाते हैं अर्थात पृथ्वी पर निवास करने वाले जो मानव हैं, Causes to hate each other, उनका एक दूसरे के प्रति जो ईर्ष्या है उसका क्या कारण है, To build wall across cities, wall means होता दीवार, यहां मतलब है सीमा, To build wall, सीमा बनाने का, across cities, जो भिन्न भिन्न शहर हैं, भिन्न भिन्न देश है उनके बीच में सीमा बनाने की क्या आवश्यकता है, एंड टू किल, और एक दूसरे को मारने का क्या कारण है।
फ्रॉम दैट हाइट, कभी कहते हैं कि उतनी ऊंचाई पर जाने के बाद भी इट वॉज नॉट क्लियर, यह स्पष्ट नहीं होता है भाई कि ऐसा क्यों होता है. बट इट वॉज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, कभी कहते हैं कि जब हम 30,000 मील से भी अधिक ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं, जहां से हमें पृथ्वी का वास्तविक स्वरूप का ज्ञान होता है कि पृथ्वी का आकार गोल है, पृथ्वी पर भूभाग की अपेक्षा जल की मात्रा अधिक है, इन सारी चीजों का हमें ज्ञान हो जाता है. लेकिन बट इट वॉज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, कभी कहते हैं कि उतनी ऊंचाई पर जाने पर भी जबकि हम पृथ्वी के वास्तविक स्वरूप का पता लगा लेते हैं, उतनी ऊंचाई पर जाने पर भी जो पृथ्वी पर निवास करने वाले मानव हैं उन्हें समझना कठिन होता है. कठिन था काजेस टू हेट ईच अदर, इस बात कारण को समझना कठिन था कि एक दूसरे से वे घृणा क्यों करते हैं. टू बिल्ड वॉल अक्रॉस सिटीज, वह दो शहरों के बीच में सीमाएं क्यों बनाते हैं, दीवारें क्यों बनाते हैं. एंड टू किल, और किस कारण से वे एक दूसरे को मार देते हैं. फ्रॉम दैट हाइट, उस ऊंचाई से भी इट वॉज नॉट क्लियर बाई, कब कहते हैं कि यह बात अस्पष्ट नहीं होती है कि ऐसा क्यों होता है, मानव एक दूसरे से घृणा क्यों करता है, आपस में दीवारें क्यों बनाता, सीमाएं क्यों बनाता है और एक दूसरे को मार क्यों देता है, इस बात का पता नहीं चलता है. फिर से देखें, When the jet reached 10,000 feet, it was clear. कभी कहते हैं कि जब विमान 10,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचा तो यह स्पष्ट था Why the country has cities where the river ran, के जो देश हैं उनमें जो शहर हैं उनकी स्थापना ऐसी जगहों पर क्यों हुई है, where the rain, the river ran, जहां पर नदियां बहती हैं, and why the valleys were populated, और जो घाटी वाले स्थान हैं वो आबादी से युक्त क्यों है. द लॉजिक ऑफ ज्योग्राफी, कभी कहते हैं इसमें भूगोल का ही तर्क है. दैट लैंड एंड वाटर अट्रैक्टेड मैन, के जो मैदानी भाग है और जो जल है वह व्यक्ति को आकर्षित किया. वॉज क्लियरली डेलिनेटेड व्हेन द जेट रीच 10,000 फीट, कभी कहते हैं कि जब विमान 10,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचता है तो यह तथ्य पूर्ण रूप से चित्रित हो जाता है, निरूपित हो जाता है. व्हेन द जेट रोज 6 miles हाइट, कभी कहते हैं कि जब विमान लगभग 30,000 से फीट से भी ऊपर ऊंचाई पर पहुंचता है, इट वॉज क्लियर, तो यह स्पष्ट था, द अर्थ वॉज राउंड, कि पृथ्वी का जो वास्तविक आकार है वह गोल है. एंड दैट, और यह कि इट हैड मोर सी देन लैंड, और पृथ्वी पर जो स्थल मंडल है, स्थल का भाग है, भूभाग है, उस वह जल के भाग की तुलना में कम है, अर्थात स्थल मंडल कम है और जल मंडल ज्यादा है. बट इट वॉज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, लेकिन कभी कहते हैं यह तब भी कठिन समझना कठिन था. दैट द मेन ऑन द अर्थ फाउंड, के पृथ्वी पर रहने वाले जो मानव हैं, काजेस टू हेट ईच अदर, उनका एक दूसरे से घृणा करने का क्या कारण है. टू बिल्ड वॉल अक्रॉस सिटीज, जो शहर है उनके बीच में सीमाएं बनाने का क्या कारण है. एंड टू किल, और एक दूसरे को मारने का क्या कारण है. फ्रॉम दैट हाइट इट वॉज नॉट क्लियर वाई, कभी कहते हैं कि उतनी ऊंचाई पर जाने के बाद भी जब हमें अपने सारे भौगोलिक परिवेश के बारे में जानकारी मिल जाती है, मानव की उन भावनाओं के बारे में हम जानकारी नहीं मिल पाती कि क्यों एक दूसरे से घृणा करते हैं, क्यों एक दूसरे के बीच में दीवार बनाते हैं अर्थात सीमाओं का निर्माण करते हैं, और क्यों एक दूसरे को मार देते हैं. फ्रॉम दैट हाइट इट वॉज नॉट क्लियर वाई, कब कहते हैं कि उतनी ऊंचाई पर जाने के बाद भी यह बात अस्पष्ट नहीं हो पाता कि ऐसा क्यों होता है. तो आज के लिए बस इतना ही. आई होप यू अंडरस्टैंड. थैंक यू.